नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। जैसा कि आपको जानकारी है कि 2024 यानी पार्लियामेंट इलेक्शन बहुत नज़दीक है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नवादा की अगर बात करें तो अप्रैल में 2024 में वोटिंग हो जाता है, जो परंपरा रहा है अब तक। मई में तो नई सरकार का गठन ही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दलों का एक्सरसाइज ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, खास करके उस परिस्थिति में जबकि गठबंधन को लेकर के कहीं कहीं बिहार के अंदर रोज़ कुछ न कुछ नए बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आलम यह है कि NDA हो या इंडिया हो, दोनों गठबंधन के अंदर जो भी सहयोगी घटक हैं वो अपनी दावेदारी को पुख्ता करने में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने बड़े दलों से झटकना चाहते हैं। इसी कड़ी में नवादा में भी, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले महीने चिराग पासवान का कार्यक्रम हुआ और चिराग पासवान कहीं ना कहीं आपको NDA के सहयोगी के रूप में वो हैं, तो NDA के घटक के नाते उन्होंने नवादा में एक जो सभा किया अपना जनसंवाद गांधी इंटर विद्यालय में पिछले महीने 8 जुलाई को, तो उन्होंने ऐलान किया मोटा मोटी तौर पे कि नवादा सीट हमारी सीट है, पहले भी लड़ेंगे, उनका जो परोक्ष रूप से कहना है स्थानीय कैंडिडेट देंगे, कुछ इस टाइप की बात उन्होंने की जिसकी आम चर्चा है। अब उसी NDA घटक के दूसरे पार्टनर जो हैं, एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर यानी पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी, वो भी लगातार कहीं ना कहीं नवादा सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ऐसा नहीं कि NDA में जाने के बाद वो दावेदारी जता रहे हैं, बल्कि इंडिया जो कि उस समय का बिहार का महागठबंधन था, उस महागठबंधन के अंदर भी उन्होंने अगर कुछ सीटें मांगी थी प्रमुखता से तो गया नवादा और जमुई की सीटें थी। आज भी कमोबेश जब वो NDA के पार्ट बन गए हैं तो भी कहीं ना कहीं इन तीन सीटों पर उनकी दावेदारी अब भी बनी हुई है। तो इस दावेदारी को पुख्ता करने के लिए जीतनराम मांझी की पार्टी के द्वारा नवादा में एक जनसभा करने की तैयारी है और जो कार्यक्रम है शहर में जहां तहां होर्डिंग बोर्डिंग भी लग गए हैं, उसके हिसाब से 6 अगस्त को गांधी इंटर विद्यालय में दिन के 11 बजे आपको उनका एक जनसभा होगा जिसका नाम दिया गया है गरीब जनसभा। तो गरीब जनसभा के माध्यम से जीतनराम मांझी और उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी जीतनराम मांझी के बेटे पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर संतोष कुमार सुमन उर्फ डॉक्टर संतोष मांझी जो कहिए वो, इसके अलावा पार्टी के तमाम नेता यहाँ नवादा में जुटेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को समर्थकों को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर NDA की वकालत करेंगे लेकिन इस जनसभा के माध्यम से नवादा सीट पर अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत करेंगे। कहीं कहीं मकसद भी यही है और ऐसा नहीं कि नवादा से इंटरेस्ट उनका पहली बार बसता है। आपको जैसा कि जानकारी है 2019 में जब वो लालू प्रसाद के RJD के गठबंधन में थे, उसमें ही बाई इलेक्शन में उन्होंने नवादा प्रॉपर की सीट जो था विधानसभा का, वो उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारा था यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, अच्छा खासा वोट भी उन्हें प्राप्त हुआ था। कुछ महीने पूर्व ही उन्होंने एक पदयात्रा पूरे बिहार में निकाली थी जिसका शुभारम्भ उन्होंने नवादा जिले के JP आश्रम जो शेखो द्वारा कौआ कुल बोला जाता है वहाँ से शुभारम्भ किया था और उसके बाद नवादा जिले का भ्रमण करते हुए वो गया की सीमा में प्रवेश किए थे। तो इस गरीब जनसभा के माध्यम से एक बार फिर से नवादा सीट पर अपनी दावेदारी को पुख्ता करने का प्रयास वो कर रहे हैं और जो पहले भी सोर्सेज से खबर आई है उसके हिसाब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसके सामने गया के साथ नवादा और ये जमुई की सीट का उन्होंने डिमांड किया है प्रमुखता से। सीटें हो सकता है कुछ और ज़्यादा मांगते हों अपनी जगह पर, लेकिन तीन सीटें उनकी प्रमुखता में शामिल है, नवादा, गया और जमुई। तो जमुई और गया तो जानते हैं ये आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए वो रिजर्व सीट है और नवादा सीट सामान्य सीट है, तो निश्चित तौर पर किसी सामान्य जाति के उम्मीदवार को उतारना चाहेंगे और उनका एक कम्बिनेशन भी चल रहा है भुइयां और भूमिहार का, ऐसा उनके पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं ओपनली। वो बोले नहीं बोले, चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो हो सकता है पूरी बात इस टाइप से नहीं बोल रहे कास्ट बेसिस पे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी उनके कार्यकर्ता ये स्लोगन को देते हैं भुइयां भूमिहार। कुछ दिन पहले भी यह बातें आई थी कि वो जब केंद्रीय गृह मंत्री से मिले थे जब वो महागठबंधन के पार्ट थे तो उसमें भी कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर से इस बात पर सवाल उठाया गया था, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो गए थे वहाँ पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए और बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग करने के लिए गए थे। तो भूमिहार और भुइयां का कम्बिनेशन उनका पुराना ऐसे भी रिश्ता रहा है, ये दोनों वर्ग से, एक वर्ग से तो आते हैं, दूसरे वर्ग से उनका रिश्ता रहा है, तो उसी बहाने नवादा सीट पर अपनी पुख्ता दावेदारी करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, इस पल पल हमारी ऐसी राजनीतिक किसी भी घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी और
जैसे कुछ और अपडेट आता है, कुछ डेवलपमेंट होता है पॉलिटिक्स में, हम नवादा लाइव के व्यूअर दर्शक सब्सक्राइबर जो भी हैं उनके लिए खबर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल खबर ये है कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन 6 अगस्त को नवादा के गांधी इंटर विद्यालय में हुंकार भरेंगे। गरीब जनसभा का उनका आयोजन है और उस आयोजन का भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे जब यहाँ कार्यक्रम होगा नवादा शहर में, जहाँ तक होर्डिंग बोर्डिंग लग गए हैं। तो जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा दोस्तों हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कपिल की अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।